आज फ्रेंड्स में लेके आई हूँ साउथ इंडियन की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी पेपर रसम, जिसको बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी। सो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और राधिका रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑल को अनेबल कर लीजिए। पेपर रसम बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाएंगे एक पाउडर। उसके लिए या तो फिर एक लेंगे छोटा सा कोई भी मिक्सी का जार, या फिर इस तरह से कोई भी आप क्रशर भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको इजी वे में सिखा रही हूँ जो नॉर्मली सबके घरों में होता है। इस तरह से 10 से 15 ब्लैक पेपर, काली साबुत, ये है 4 से 5 लहसुन छिलके समेत, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मूंग धुली दाल, इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेना, बहुत ही इजी बनता है बनाना इसको, और थोड़े से करी लीव्स। अब इसका फ्रेंड्स हम बनाएंगे, बहुत ज्यादा हमने पाउडर फॉर्म नहीं करना, हल्का सा मोटा मोटा दरदरा रखना है। अब ये देखो इस तरह से हमारे पास एक दरदरा सा मिक्सचर रेडी हो गया। ठीक है, हमने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना। अब रसम का पाउडर बन चुके फ्रेंड्स, ये मैंने एक बॉल साइज इमली ली थी, उसको इस तरह से गर्म पानी में भिगो लिया। ये है मेरी बिना बीज की इमली, पानी जो था हल्का सा गर्म था, उसकी वजह से इमली अच्छे से भीग चुकी है। अब इस तरह से इसको, अगर तुम बीज वाली ले रहे तो इसको हम छान लेंगे और इस तरह से इसको मसल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स, उसमें मैं ले रही हूँ ये मूंगफली का तेल। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं या नॉर्मल कोई भी वेजिटेबल ऑयल। मूंगफली के तेल से जो टेस्ट है ना इस रसम का, बहुत बढ़िया आता है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, साथ ही बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए मैं डालूंगी थोड़ी सी हींग, सूखी लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड्स छोटे या बड़े अपने हिसाब से, मेथी दाना, इसको करेंगे थोड़ा सा स्टर। और साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैं डाल दूंगी ये थोड़ा सा प्याज, आधा प्याज लिया होगा मैंने, इसको स्लाइस में काट लिया। इसको हम करेंगे सॉटे, हल्का सा पिंकिश रहने देंगे, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखो प्याज इससे ज्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी लो और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसको करेंगे मिक्स। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी खूब सारे करी लीव्स, अगेन इसको करेंगे स्टर। और इसमें अब मैं डाल दूंगी रसम का ये जो मसाला हमने रेडी करके रखा था। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारे घर पे होता ही है। साथ ही इस तरह से फ्रेंड्स मैंने दो टमाटर लिए हैं, इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको दरदरा ग्राइंड कर सकते हो। अब इस टमाटर को ना फ्रेंड्स हमने बहुत ज्यादा सॉटे नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है हमारे हल्के से गल जाए। जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएं, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये जो हमारा इमली वाला पानी था, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप पानी। और पानी की रेशियो फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ी सी ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि ये लिक्विड ही होता है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो, कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही पानी को डाल देंगे फ्रेंड्स, इसको सिर्फ हम 4 से 5 मिनट तक सिम गैस पे रख देंगे, वो भी इस तरह से ढक के। 4 से 5 मिनट हो गए, लेट्स सी हमारा पेपर रसम हुआ है कि नहीं। ओहो कितना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब एंड में इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। अब इसको फ्रेंड्स एज ए आप सूप भी पी सकते हैं, या आजकल जैसे चेंज ऑफ वेदर है, सबको कोल्ड कफ हो रखा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो करते हैं इसको सर्व। तो फाइनली रेडी है जी हमारा पेपर रसम। अब ये देखो ये हमारा पेपर रसम, इसको एंजॉय कीजिए स्टीम्ड राइस विद पापड़, या फिर इस तरह से सूप की तरह भी इसको पी सकते हो। जिस तरह आजकल कोल्ड कफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, और सर्दियों में तो ये बहुत ही बढ़िया है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है। सो फ्रेंड्स जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।